दोस्त से निकला दोस्त का कातिल, परिवार की महिलाओं पर बुरी नजर रखता था मृतक, इसी वजह से मार दी गोली। 5 दिन पहले खनिया थाना पिछोर मार्ग पर मिले एक मृतक और एक घायल युवक के मामले को गंभीरता से लेते हुए खनिया थाना एवं बमौर कला पुलिस ने मिलकर सुलझाने के प्रयास किए और सफलता भी प्राप्त की। गोलीकांड के इस मामले को शीघ्र सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा निर्देशित किया गया और SDOP पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खनिया थाना धनेन्द्र सिंह भदौरिया एवं थाना प्रभारी बमौर कला पुनीत वाजपेयी ने टीम बनाकर मात्र 5 दिन में ही इस मामले को सुलझाने में सफलता प्राप्त की और मृतक कुलदीप लोधी के साथ चलने वाले घायल युवक से पूछताछ की। आपको बता दें कि शक की सुई हर पहलू से घायल युवक पर जाकर ठहर रही थी। आखिरकार पुलिस पूछताछ में युवक टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। युवक द्वारा पुलिस को बताया गया कि मृतक द्वारा मेरे परिवार के महिलाओं के साथ अवैध संबंध का मुझे शक था, इसलिए मैंने मृतक के साथ दोस्ती की और उसे अपने साथ लेकर खैरवास शादी में सम्मिलित होने गए और लौटते समय रास्ते में मौका देखकर उसे शराब पिलाकर मेरे द्वारा गोली मार दी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खनिया थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ये दिनांक 5 मई 2023 को सब इंस्पेक्टर अशोक बाबू शर्मा को खनपे छोड़ जाते समय ऐसा ये दोनों रोड पर पड़े हुए मिले, जिसमें से एक मृत हो गया था, एक घायल था। तो घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, फिर जो मृतक था उसकी शिनाख्त की गई, जो कि बिशनपुरा का रहने वाला पाया गया। दोनों ही बिशनपुरा के रहते थे, एक साथ थे। फिर ये पता चला कि दोनों ही मृतक की रिश्तेदारी में शादी में गए हुए थे, तो मृतक के घर वालों ने इस साथी पर संदेह जताया। फिर साथी को बुलाकर से पूछताछ की गई, CCTV फुटेज देखे गए, उससे क्वेश्चन आंसर किया। इसमें SP साहब ने जो टीम बनाई थी, खनिया थाना से थाना प्रभारी भदौरिया जी थे, बामर पुतला से वाजपेयी जी थे, और साहब के निर्देशन में लगातार ये पूछताछ चल रही थी। तो उसने ये कबूल किया कि जो मृतक था मेरी अनुपस्थिति मेरे घर आता जाता था। तो आरोपी को ये संदेह था कि ये मेरे जो घर में माँ बहन और पत्नी है उन पर गलत नहीं रखता, तो इसी संदेह के दृष्टिगत रखते हुए उसने इसकी हत्या का प्लान बनाया। तो जैसे मोटरसाइकिल भी मिली, तो क्या ये 7 में थे या 3 लोग थे या 2 ही लोग थे? ये नहीं, ये दोनों ही थे और ये वहीं से निकले थे बिशनपुरा से खैरवास जाने के लिए। फिर ये खैरवास गए, खैरवास उन्होंने शादी अटेंड की, जो भात का प्रोग्राम होता है वो उन्होंने अटेंड किया। लौटते फिर उन्होंने शराब पी, मृतक को इसमें ज्यादा शराब पिलाई, स्वयं कम शराब, ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। हथियार कहाँ से बरामद हुआ सर? हथियार उसकी निशानदेही पर घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है। सर किस तरह का हथियार यूज किया गया है हत्या में? ये हत्या में एक देसी हैंडमेड पिस्टल यूज की है, जो कि पुलिस ने बरामद कर ली है। अपराधी खुद चोटिल कैसे हुआ? ये उसका कहना है कि आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, उसकी वजह से वो चोटिल हुआ। No, sir.